स्वागत है आपका मेरे चैनल जायका विसीमा में। आज मैं आप लोगों के साथ बनाने जा रही हूँ दोस्ती रोटी और आमझोर। ये बिहार और यूपी में बहुत ही फेमस रेसिपी है। आप ये दोस्ती रोटी देखिए, ये बहुत ही अच्छे से दोनों तरफ से सीख जाते हैं। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बनाते हैं दोस्ती रोटी और चलिए आमझोर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 कच्चे आम ले लिए हैं और उसे मैं अच्छे से धो के और छील लेती हूँ। इसको देखिए, मैं अच्छे से इसके छील ले रही हूँ। देखिए मैंने सभी आमे को छील लिया और इसे मैं काट लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। मैंने यहाँ पे सारे पीसेस को कट कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कट कट लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज का कट लगा है। और चलिए पैन गरम करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल रही हूँ, इसे गरम कर लेती हूँ। यहाँ पे घी गरम हो चुका है। यहाँ पे मैं 2 चम्मच के करीब आटा, देखो आटा को अच्छे से भून ले रही हूँ। तो इसे देखिए, मैं आटा को धीमी आंच पे भून लेती हूँ। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से आटा को मैंने यहाँ पे भून लिया है। इसे मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। चलिए मैं उसी कढ़ाई में फिर 2 चम्मच के करीब घी डाल रही हूँ। इसमें मैं तेज पत्ता डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा, काला सरसों, सौंफ डाल रही हूँ। ये देखिए हल्का सा ये बन चुका है। अब इसी में मैं थोड़ा सा ही मेथी और थोड़ा सा कलौंजी में डाल दे रही हूँ। इसके तुरंत बाद मैं इसमें कटे हुए आम जो मैंने डाले थे। ये जो मैंने आटा भून के रखा था, इसमें मैं पानी मिला के इसका एक पेस्ट बनाती हूँ। थोड़ा थोड़ा ही पानी मिला के इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। धीरे धीरे पानी मिलाते हुए इसका मैं एक पतला सा घोल बना ले रही हूँ। देखिए अच्छे से ये भून चुका है, लाल भी हो गया। देखिए इसमें मैं बहुत थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। एक कटोरी के करीब मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ। वो अंदाजा आप अपना अंदाजे से लगा सकते हैं। अगर आम ज्यादा खट्टा होगा तो वो ज्यादा लगेगा। यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ और थोड़ा सा, ताकि गुड़ गुड़ जो है बहुत अच्छे से गल जाए, इसे मैं ढक देती हूँ। तो जब तक हमारा अमझोर बन रहा है, तब तक हम लोग यहाँ पे दोस्ती रोटी के लिए आटा गूंथ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरा आटा गूंथ चुका है, इसे मैं ढक के 10 मिनट के लिए रख देते हैं। यहाँ पे देखिए काफी हद तक यहाँ पे गल चुका है। इसी में मैं जो आटा का मैंने गोल बनाया था उसे मैं डालूंगी। पतला है, जैसे धीरे धीरे इसमें पकेगा गाढ़ा होते जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ, जीरा का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये देखिए अभी से मैं गैस का फ्लेम मैं यहाँ पे मीडियम कर देती हूँ और इसे ढक देती हूँ करीब 5 मिनट के लिए, इसे पकने देती हूँ। ये देखिए 5 मिनट के बाद ये अच्छा से गाढ़ा हो चुका है और आम भी मुझे लग रहा है कि पक चुका है। चेक कर लेती हूँ, देखिए मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए बहुत अच्छे से हो चुका है, उसे मैं रख देती हूँ। अपना कितना थिकनेस रखना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं, फाइनली मेरा रेडी है। जल्दी से फटाफट इसके साथ दोस्ती रोटी बनाते हैं। देखिए आटा को मैंने परफेक्ट से मिला लेती हूँ और इसकी मैं लोई काटती हूँ। मैंने एक यहाँ पे मीडियम साइज का, मीडियम से थोड़ा सा बड़ा मैंने लोई लिया है और इसे मैं ज्यादा बड़ा नहीं बेलूंगी, थोड़ा सा ही ऐसे बेल लेती हूँ। बस देखिए यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से चारों तरफ से घी लगा देती हूँ। ये बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है।
आमचूर के साथ दोस्ती रोटी। इसे देखिए मैं यहाँ पे बीच में ऐसे दोनों तरफ से लेके ऐसे मिला देती हूँ और इसको ऐसे बंद कर देती हूँ। रोटी के साइज में हो गया तो इसे मैं के हल्के हाथों से बेल लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है, ये रोटी के बराबर में ही है, पतला है। ये तावा मेरा गर्म हो चुका है, इसमें डाल देती हूँ। तक हम एक और बेल लेते हैं। देखिए इसे मैं, आप चाहे तो यहाँ पे अलग अलग छोटी छोटी रोई बना के भी आप बना सकते हैं दोस्ती रोटी, पर यहाँ पे मैं ये बहुत इजी में और जल्दी में बन जाता है। पूरी तरफ से घी लगा के सेक ले रही हूँ। दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से ये सिक जाएंगे, बहुत अच्छे से। देखिए दोस्ती रोटी दोनों तरफ से खुल जा रहा है। ये देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सेक गए हैं, इसे मैं निकाल लेती हूँ। प्लेट भी हमारा बनके तैयार है, दोस्ती रोटी और आम झोर। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।